दोस्तों नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। पूरे मुल्क की अवाम ने इसका पालन ठीक तरीके से किया। कर्फ्यू का मकसद था कि कहीं भीड़ न जमा होने पाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ जमा होकर प्रधानमंत्री जी के कहने के मुताबिक थालियां और तालियां बजा रही हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह से कोरोना को खत्म किया जा सकता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जनता को इस गंभीर मसले से भटकाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस मामले में अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोरोना के लिए सरकार की तरफ से अब तक कोई भी फंड पास नहीं किया गया है। ताज्जुब है, जिस देश में एक मूर्ति पर करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, वहाँ इंसानी जानों की कोई कीमत ही नहीं है। जनता भी बजाय सरकार से सवाल करने के, खामोशी से सरकार की हर चाल का हिस्सा बनती जा रही है। क्या इस बात को संजीदगी से सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए मुनासिब जराए हैं या नहीं? मंदिर के डिबेट्स करवा कर अवाम के जहनों में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, मानो कोरोना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। इस मसले को लेकर अब जनता को ही होश के नाखून लेने होंगे, वरना इस मुल्क की सियासत हमें ले डूबेगी। पूरे मुल्क के किसी भी हिस्से से किसी भी नेता के जरिए मास्क, सैनिटाइजर या दवाइयां बांटने की खबर अब तक तो नहीं मिली है, लेकिन अगर इलेक्शन हो तो यही नेता पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हमारी एक बार फिर अपील है कि सरकार के भरोसे न रहते हुए अपनी हिफाजत खुद करें। कोशिश करें कि आपके आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे। शदीद जरूरी काम के अलावा घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाकर जाएं। एहतियात बरतना अच्छी बात है, लेकिन इस वायरस के डर को एकदम दिमाग में ना बिठाएं, क्योंकि आपकी सोच भी आपकी सेहत पर असर अंदाज होती है। याद रहे, हर खांसी, जुकाम या बुखार कोरोना वायरस की अलामत नहीं होती, इसलिए घबराएं नहीं। अपने डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। खुदा आप सबको सेहतमंद रखे। शुक्रिया।